जय हिंद फ्रेंड्स वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आज के प्रीमिक्स के वीडियो में तो आज प्रीमिक्स रहेगा दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन का डेट है आज की ट्वेंटी थर्ड जुलाई आइए पहले नजर मार लेते हैं हमारे पांच सवालों के ऊपर पहला क्वेश्चन बात कर रहा है डब्ल्यूडीओ के बारे पूछा क्या क्या है स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है पहले हम क्वेश्चन की जो डिमांड है वो अच्छी तरह से पढ़ लें करेक्ट है कि इनकरेक्ट पूछा गया है तो क्वेश्चन को आप नजर मारिए देखिए आपको क्या सही लग रहा है यहाँ पे पॉज करके आप वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए आपको क्या सही आंसर लग रहा है इसका डब्ल्यू टी ओ कह रहे जी इज द रिजल्ट ऑफ उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोसिएशन गैट इज द प्री डिसर ऑफ डब्ल्यू और ट्वेल्थ मिनिस्ट्रियन कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यू में इट पास्ट अ मल्टीलेटल अग्रीमेंट दैट वुड कर्ब हार्मफुल सब्सिडीज ऑन ओनली अनरेगुलेटेड फिशिंग फॉर द नेक्स्ट सिक्स ईयर्स बहुत सारी बातें थर्ड स्टेटमेंट में पूछी जा रही हैं है, है ना तो क्या लग रहा है क्या इनकरेक्ट है चलिए फिर सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं तो यहां पर बात करी जा रही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज डिफाइंड एज द रीजन दैट इज होम टू द कंट्रीज ऑफ जिबूटी इथोपिया सोमालिया किन्या एन ओगान्डा दूसरा है ट्राइंगुलर इज बिटवीन इथियोपिया इजिप्ट एंड सुदान द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट इथियोपियन रेनसा डैम <clears throat> और थर्ड स्टेटमेंट है चाइना इज हैविंग इट्स मिलिट्री बेस इन ऑल द कंट्रीज ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसमें से आपको करेक्ट पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नाउ थर्ड क्वेश्चन ये थोड़ा न्यूज में रहा था नाउ यहां पे बात करी जा रही है कराकल पाकिस्तान की अब देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट उजबेकिस्तान पहली स्टेटमेंट क्या कहती है उजबेकिस्तान इज बॉर्डर्ड बाय कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजिकिस्तान अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान सेकेंड जो ऑटोनोमस रिपब्लिक है ऑफ कराकल पाकिस्तान दिस इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न एंड ऑफ उजबेकिस्तान और जो कोस्ट लाइन है सी की दैट इज लोकेटेड इन तुर्कमेनिस्तान दिस हैज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे बताना है ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है ना फिर दोस्तों पैरासेल आइलैंड्स की यहां पे बात करते हैं पैरासेल आइलैंड्स इज फ्रीक्वेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू पैरिसल आइलैंड आर ऑल्सो नोन एजा आइलैंडो इन द साउथ चाइना सी साउथ समाज सारा यहाँ पे जो देश है चाइना पीड़ित समाज वाले हैं इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन चाइना जपान वियतनाम एंड फिलिपींस सेकेंड स्टेटमेंट ये है थर्ड है कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड है और यहाँ पे रिसेंटली कोई रेयर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स पाई गई हैं पूछा क्या गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है है ना तो मैं बार बार कहता हूं कि पहले हम देख लेंगे पूछा क्या गया है हम करेक्ट समझ के मार्क करके आ रहे हैं पूछा इनकरेक्ट है, गया है ठीक है और बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन नाउ सुंडा स्ट्रेट जॉइंट ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन है जावा सी इन इंडियन बी है गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड करेबियन सी है, सी है अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी और डी है मेडिटेरेनियन सी तो ये पांच क्वेश्चन तो आपके सामने हैं अभी तक अगर आपने पॉज करके इसका जो सही आंसर आपको लग रहा है मार्क कर लिए तो कमेंट करते रहिए अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन डब्ल्यू टी ओ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है है ना देखिए ये तो अब डब्ल्यू टी ओ के बारे में हमने बहुत पढ़ा है आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा आयर में भी डब्ल्यू टी के बारे में हम पढ़ते रहते हैं तो देखिए ये रिजल्ट ऑफ उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन इसमें तो कोई दो राहें नहीं लग रही हैं है ना गैट के बारे ये भी पता है कि गैट जो है वो प्री था डब्ल्यू टी ओ का है ना डब्ल्यू टी ओ नाइनटीन नाइनटी फाइव में फॉर्म करा गया है Uh, तो ये जो ट्वेल्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली जून में ही ट्वेल्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग अभी कंक्लूड करी गई थी हमको ये भी पता है कि मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है विद इन द डब्ल्यू तो यहाँ पे हमने सब्सिडीज़ के बारे काफ़ी हमने कवरेज करंट अफेयर्स में भी करी है एडिटोरियल्स में भी करी है तो ये इट पास मल्टीलेट अग्रीमेंट दैट वुड हार्मफुल सब्सिडीज ऑन ओनली नहीं दोस्तों पे ओनली अनरेगुलेटेड फिशिंग नहीं है यहाँ पे इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग की यहाँ पे बात करी गई थी कि इसके ऊपर जाएगा फॉर द नेक्स्ट फोर इस तो यहां इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका यहां पे सी बनता है ओनली थ्री ठीक है तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अभी ट्वेल्थ एमसी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली जून 17 2022 को कंक्लूड हुआ था ठीक है जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जो भी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो भी ऐसे कंसेंसस लिया जाता है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में बातचीत करी जाती है उसको लेके तो ऐसे कुछ मुद्दों पे बात करी गई यहाँ पे अग्री करा गया है तो अगर हम बात करें आईपीआर वेवर ऑन द कोविड वैक्सीन्स है ना तो इंडिया और साउथ अफ्रीका इस प्रपोजल को पिछले दो साल से काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी प्रोपोगेट कर रहे हैं तो टेम्प्री वेवर दिया गया है कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन्स के ऊपर आईपीआर पी आर टेम्प्री आई जो वेवर है वो दिया गया है Then moratorium on ऑन ई कमर्स ट्रेड फूड food security and setting the limits on harmful fishing subsidies. ये मुद्दा है इस मुद्दे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो इसके ऊपर हम ज़्यादा zyada करेंगे थोड़ा सा यहाँ yahan pe wto के बारे भी हम एक ब्रीफ information आई एम श्योर आपने डब्ल्यू के बारे में वैसे काफी पढ़ा होगा तो ये ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड के रूल्स क्या रहेंगे देशों के बीच में वो डिसाइड करता है <coughs> पर्पस क्या है <coughs> कि कैसे जो ट्रेड है वो स्मूथली फ़्लो कर सकता है बिटवीन नेशंस ठीक है फ्री ट्रेड जितना जितना ज़्यादा प्रमोट हो सके फेयर फ्री और फेयर ट्रेड को प्रमोट करने का जो एक मैंडेट है डब्ल्यू का है फर्स्ट जनवरी 1995 अंडर द माराकेश अग्रीमेंट माराकेश अग्रीमेंट मोराको में ये स्टैब्लिश करा गया था इसकी जो नेगोसिएशन थी उर्गे राउंड ऑफ नेगोसिएशन नाइनटीन एइटी से नाइन्टीन के बीच में चली थी ठीक है सो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन माराकेश मोराको इन नाइनटीन अब डब्ल्यू की एग्जिस्टेंस 1995 में आती है यानी कि अब सत्ताईस साल हो चुके हैं लेकिन गैट ठीक है यानी कि जनरल अग्रीमेंट ऑन जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ दैट स्टिल डिड नॉट सीज टू एक्जिस्ट इनफैक्ट अगर हम अपनी बात करें इंडिया की बात करें तो हम मेंबर हैं गैट के सिंस नाइनटीन तो इंडिया वॉज अ पार्टी टू द राउंड एंड अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ डब्ल्यू तो ये बातें अगेन थोड़ी ऑब्जेक्टिव बातें हैं हमको पता होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव बातें फिर हमको कई बार गलत हो जाती हैं एमसीक्यूज में जब कई बार स्टेटमेंट पूछ स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं तो फिर हम मिस्टेक कर देते हैं उसमें चाइना ने डब्ल्यू टी ओ ज्वाइन किया था 2001 में और रशिया ने डब्ल्यू टी ओ ज्वाइन किया है 2012 में अब इस मीटिंग में से क्या इंपॉर्टेंट टेक रह चुके हैं तो हमने हार्मफुल जो फिशरी सब्सिडीज की बात करी है तो ये तो बात सही है कि मल्टीलेटरल अग्रीमेंट पास करा डब्ल्यू टी ओ ने जो कि हार्मफुल सब्सिडीज कर्ब करेगा ऑन इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग फॉर द नेक्स्ट फोर ईयर्स देखिए अब इंडिया भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है डब्ल्यू को कि देखिए जहाँ पे वातावरण की बात आती है जहाँ पे इक्वेटिक बायो जहाँ पे इक्वेटिक बायडिवर्सिटी की बात आती है तो वी ऑल स्टैंड फॉर यू नो प्रोमोटिंग द मरीन अकोलॉजी कंजर्विंग द मरीन अकोलॉजी लेकिन हमारा जो फ़िशरी सेक्टर है वो भी बहुत अंडर डिवेलप्ड है राइट right? तो हमको अभी ये जो टाइम पीरियड है जो आपने कहा कि जो कम्प्लीटली जो आने वाले चार साल में जो फेज़ आउट कर दिया जाएगा हार्मफुल सब्सिडीज़ तो हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं हम कि हमको अपने फिशरी सेक्टर को भी और डेवलप करना है कि एज़ कम्पेयर टू चाइना और एज़ कम्पेयर टू साउथ कोरिया और जापान और अमेरिका हमारा फ़िशरी सेक्टर इतना ज़्यादा डिवेलप नहीं हुआ अभी ठीक है वैसे तो दो हज़ार एक से जो मेम्बर स्टेट्स हैं डब्बू टी ओ के वो यानी कि अब देखिए बीस इक्के साल हो चुके हैं वो नैगोशिएट कर रहे हैं कि कि जो सब्सिडीज हैं खास करके जो सब्सिडीज मरीन एक हार्मफुल हैं या जो ओवर फिशिंग प्रमोट करती हैं उसके ऊपर बैन लगा देना चाहिए ठीक है अब यहां पे अग्रीमेंट ऑन फिशरी तीसरी बार है की सत्ताईस साल की हिस्ट्री में कि कोई ऐसा डब्ल्यू डीओ का अग्रीमेंट अमेंड करा गया है ठीक है तो एक बहुत प्रॉमिसिंग आउटकम जो रहा था इस रिसेंटली कंक्लूडेड मीटिंग का वो ये था कि यहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन यानी कि यहाँ पे मरीन इकोलॉजी को कंजर्व करने की बात के, के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज पास करा गया है तो जो एम है इसका दैट इज एक्वेड बाय दैट इज एक्वेड बाय द एच डी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर्टीन पॉइंट सिक्स विच इज टू एड्रेस हार्मफुल फिशरीज सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द कंट्रीज टूवर्ड्स मरीन फिशिंग अब हम अगर अपनी बात करें देखिए डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इनको दो साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है कि आपकी जो सब्सिडीज़ है अगर आपने फेज़ आउट करनी है है ना तो आपको दो साल का टाइम दिया गया, गया विदिन आ, इंडिया के जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो हमने सब्सिडीज़ फेज़ आउट करनी है ठीक है पर्टनेंट टू इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग ठीक है लेकिन हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं देखिए हमको जो ट्रांजिशन पीरियड आपने दो साल का दिया है है ना ये हमको ज्यादा चाहिए हमको 25 साल का ट्रांज़िशन पीरियड चाहिए क्योंकि अभी हम अपने फिशरी सेक्टर को इतना भी डेवलप नहीं कर पाए अगर हम सब्सिडाइज कर भी रहे हैं है ना हमारा टारगेट है कि हमने फिशरीज को प्रमोट करना है ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना है तो अभी हमको ज्यादा समय चाहिए कि हम अपनी सब्सिडीज को पच्चीस साल के बाद फेज आउट करें ना हम जहां पे वातावरण की बात आती है तो वी आर ऑल इंडिया सपोर्ट्स इंडिया सपोर्ट्स कि कैसे हम मरीन इकोलॉजी को कंजर्व कर सकते हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज को हम सपोर्ट करते हैं ठीक है ये तो हमारी डेवलपमेंट ट्रांजेक्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर तो हम खास ख्याल रखते हैं नाउ इंडिया हैज़ ऑलसो सेट के भी हमने मरीन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है वर्थ द वैल्यू फोर्टीन बिलियन डॉलर बाई टू हम एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफ़ाई करने की बात करते हैं फार्मर्स इनकम को डबल करने की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली सिर्फ वीट और राइस एक्सपोर्ट करके तो नहीं हम फार्मर्स की जेबों में पैसे भर सकते हैं है ना डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो उसमें एक जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो फिशरी सेक्टर हो फिशरीज़ का सेक्टर तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना लाइफ स्टॉक फार्मिंग की हम बात करें तो इस करके हमारी ये रिक्वेस्ट रही है कि हमको अभी थोड़ा और समय चाहिए ताकि हम अपने मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप कर सकें और जो फुल पोटेंशियल है ब्लू इकोनॉमी का फ़िशरीज़ का वो हम अभी थोड़ा हार्नेस कर सकें ठीक है तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स क्या रहे हैं ठीक है तो ये जो अग्रीमेंट डब्ल्यू टी ओ ने जो अभी मल्टीलिटल अग्रीमेंट जो भी पास करा है ये इस तरीके से पास करा है कि ये तो हमारे इमर्जिंग सेक्टर के कोई एक वहां पर रुकावट आएगी ऑब्स्टिकल बनेगी दैट विल थ्रॉटल आर इमर्जिंग सेक्टर तो हम सब्सिडीज तो कितनी प्रोवाइड करते हैं हम महज 277, 278 मिलियन डॉलर्स की सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं तो हमारा ये कहना है कि देखिए चाइना है यूरोपियन यूनियन है अमेरिका है यू नो साउथ कोरिया है जापान है ये कितनी भारी मात्रा में सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं तीन हज़ार मिलियन डॉलर से लेके आठ हज़ार मिलियन डॉलर तक तो उसके सामने तो हम बहुत कम प्रोवाइड कर रहे हैं सब्सिडीज़ ठीक है अब हमारी डिमांड है कि हमको पच्चीस साल का ट्रांजेक्शन पीरियड देना चाहिए लेकिन जो डेवलप्ड देश हैं वो कहते हैं कि नहीं चलो अगर आपको दो साल करनी चाहिए तो आपको पच्चीस साल का तो नहीं देंगे आपको सात साल का ट्रांजेक्शन पीरियड दे देते हैं चलिए चलिए उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका की बात हो रही है तो ये भी अभी रिसेंटली न्यूज़ था चाइना की प्रेजेंस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बढ़ने की बात करी जा रही है ठीक है हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका चलिए ईस्ट अफ्रीकन रीजन की बात आती है तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हम पढ़ रहे हैं देखिए दोस्तों अब यहाँ पर अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को देखें कि चाइना का मिलिट्री बेस है इन ऑल द कंट्रीज ऑफ हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका देखिए ये बात सही लग रही है कि नहीं सही लग रही है मुझे तो नहीं सही लग रही है है ना हमने बहुत बार पढ़ा है कि जिबूटी में जिबूटी में चाइना का एक नेवल बेस है है ना जिबूटी अगर हम बात करें जिबूटी आपका हॉर्न ऑफ आफ अफ्रीका में आ जाता है ठीक है अच्छा उसके बाद हॉर्न ऑफ़ आफ अफ्रीका इज डिवाइंड एज द रीजन दैट इज़ होम टू दिस कंट्रीज़ जो आपके सामने मैंशन है अब ईस्ट अफ्रीका एक बात है ईस्ट अफ्रीका के अंदर हॉर्न अफ्रीका को एक और बात है तो डेफिनेटली अब जहां अगर हम केन्या की बात करते हैं वांडा की बात करते हैं ईस्ट अफ्रीका में आ जाता है लेकिन कहें कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ही आ जाते हैं तो शायद नहीं एक छोटा सा एक आपको वैसे आपने एक्रोनिम बहुत बार ये सुना भी होगा पढ़ा भी होगा तो सीड करके ना एक एक्रोनिम है है ना नहीं भी पता आपको कि सीड में कौन से देश आते हैं बस आपको ये पता होना चाहिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सीड यानी कि चार देश होते हैं है ना तो यहाँ पर तो छः देश दिए गए हैं ठीक है तो क्लियरली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट नहीं लग रही है ठीक है थर्ड स्टेटमेंट जो है कि चाइना का मिलिट्री बेस हर एक यू नो कंट्री में है ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि जो चार देश हैं तो ये भी बात सही नहीं लग रही है बचा सेकंड ऑप्शन ये ऑप्शन सही हो सकता है ट्राइंगुलर कंफ्लिक्ट इज बिटवीन इथियोपिया इजिप्ट एंड सुदान ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट तो इथियोपिया की बात हो रही तो इथोपिया तो होगा अगर हमको नहीं भी पता है इस डैम के बारे ठीक है तो चलो आइए देखते हैं इसमें क्या सही आंसर है तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों वो स, जो सी ऑप्शन यानी कि ओनली टू यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन तो यहां पे चाइना की बात करें तो चाइना बहुत हैविल इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीका में थ्रू आउट द लास्ट टेन ईयर्स शाल बी से और अभी रिसेंटली जून बीस की बात है एक एक फोरम एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे चाइना हॉर्न ऑफ चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये इथोपिया में हेल्ड करी गई थी और साथ के साथ इसमें पार्टिसिपेशन काफ़ी और देशों की थी जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं है ना तो चलिए चलो हम अगर अगर हम बात करें आ, गांडा केन्या जिबूती इथोपिया सुदान सोमालिया साउथ सुदान ये सब देश थे ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जिन्होंने इस फोरम में पार्टिसिपेट किया था लेकिन हॉर्न ऑफ आफ अफ्रीका हॉर्न ऑफ आफ अफ्रीका में कौन से देश आ जाते हैं तो सीड का आक्रमण आपको मैंने बताया था सोमालिया इथियोपिया इरेट्रिया और जिबूटी तो ये चार देश जो ये हॉर्न ऑफ आफ अफ्रीका में आ जाते हैं ठीक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है अभी आपको मैं मैप भी दिखाता हूं ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है अफ्रीकन लैंड का ठीक है जी चलिए अब यहां पे देखिए मैप आ गया आपके सामने तो ये देखिए ये हॉर्न शेप में लग रहा है ना बिल्कुल थोड़ा एक शार्प एक शेप में लग रहा है हॉर्न शेप में है ना सोमालिया इथियोपिया जिबूटी एरिटरिया तो ये चार देश यानी कि सीड ये बनाते हैं आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन तो देखिए दोस्तों जहां पे बात करिए कि चाइना का मिलिट्री बेस सारे ही हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं चाइना का जो नेवल बेस है नेवल बेस है जिबूटी में ठीक है तो जिबूटी डेफिनेटली हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है ठीक है तो ये चाइना का पहला ओवरसीज को मिलिट्री बेस था जिसको बनाने की जो कॉस्ट थी लगभग फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर्स की थी इसका आइडिया 2014 से मूड uh, 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 इसका आइडिया 2014 से फ्लोट करा जा रहा था इसको बिल्ड करा गया था 2016 में ठीक है जो चाइनीज़ बेस है दिस इज़ लोकेटेड बाय द चाइनीज ऑपरेटेड पोर्ट ऑफ दुराले दुराले विच इज़ टू द वेस्ट ऑफ जिबूटी सिटी और उसके अलावा जिबूटी के अंदर चाइना का तो नेवल बेस है उसके अलावा अमेरिका का नेवल बेस भी है कैंप लेमनोयर पे ठीक है कैंप लेवनार है जो अमेरिका का नेवल बेस है जिबूटी में फिर बेस एरियन आ जाता है बेस एरियन वन डबल एट ये फ्रांस का एयरफोर्स बेस है और जापान का सेल्फ डिफेंस फोर्स बेस है जिबूटी में ठीक है तो ये बात भी हमको पता हो ठीक है जिबूटी की बात करें देखिए दोस्तों यहाँ पे बब अल मंडेब है जो कि सेपरेट करता है गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को ठीक है तो ये बहुत स्ट्रेटिजिकली सिचुएटेड है इन द बब अल मंडेब इन द बब अल मंडेब स्ट्रीट ना अब यहां पे दोस्तों हम बात करें ग्रेट इथियोपियन रेनासो डैम की ठीक है तो पहले तो देखिए दोस्तों नाइल रिवर की यहां पे बात आ जाती है नाइल रिवर जैसे कि हम जानते हैं लॉन्गेस्ट रिवर है है ना इसका सोर्स क्या है व्हाइट नाइल है नाइल रिवर कहां जाके ड्रेन करता है यहां पर मेडिटेरेनियन सी में जाके ड्रेन करता है है ना अब देखिए अगर हम बात करें जीईआरडी -E यानी कि ये देखिए आपका ग्रेट इथियोपियन रेनासो डैम तो जो कन्फ्लिक्ट है डेफिनेटली यहां पे जो कन्फ्लिक्ट आता है जो तीन जो ट्राइंगुलर कन्फ्लिक्ट है वो इथियोपिया के बीच में सुडान के बीच में और इजिप्ट के बीच में आ जाता है थोड़ी इंफॉर्मेशन अब इस डैम के बारे में हासिल करते हैं इसको कहा जाता है मिलेनियम डैम एंड समटाइम्स इट इज रेफर टू एज दिदासे डैम ठीक है ये ग्रेविटी डैम है ऑन द ब्लू नाइल रिवर इन एथोपिया इसका जो कंस्ट्रक्शन है 2011 से चल रहा है ठीक है इथोपिया में काफ़ी ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है ठीक है बीस फरवरी दो को इस डैम ने प्रोड्यूस करी इलेक्ट्रिसिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और जो प्राइमरी पर्पज़ है इस डैम का वो ये है कि इथोपिया में काफ़ी एक्यूट एनर्जी शॉर्टेज है ठीक है तो इथोपिया में कैसे इथोपिया कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है बिजली में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में और कैसे बिजली एक्सपोर्ट कर सकता है नेबरिंग कंट्रीज़ में ठीक है तो सुदान हो गया इजिप्ट हो गया ये डाउन स्ट्रीम कंट्रीज में आ जाते हैं नाइल रिवर के डाउन स्ट्रीम कंट्रीज में आ जाते हैं ना अब कंफ्लिक्ट की बात करें तो मुद्दा क्या है अब इजिप्ट की बात करें इजिप्ट लगभग ट्वेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आता है ऑफ दिस ग्रेट इथियोपियन रेनासा डैम ठीक है अब इजिप्ट का क्या कहना है इजिप्ट का ये कहना है कि इस डैम के चलते जो अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होगा नाइल का वो कम हो जाएगा लेवल जो डाउन स्ट्रीम जो कंट्रीज है उनके पास जो पानी आएगा वो कम आएगा और इजिप्ट का ये भी कहना है कि इसके इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस भी बहुत ज्यादा है तो मई 2011 में ठीक है इजिप्ट ने अनाउंस किया था कि इथोपिया को ना ये जो ब्लू प्रिंटस है इस डैम का वो इजिप्ट के साथ शेयर करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन बढ़ाने से पहले ठीक है इथोपिया ने बोला कि ऐसे हम क्यों शेयर करें इथोपिया ने बोला कि देखिए ऐसा ही ये डैम किसी भी किस्म का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करेगा डाउनस्ट्रीम कंट्रीज़ को बल्कि ये तो हम बिजली एक्सपोर्ट करेंगे आपको खुद भी हम बिजली बनाने में सक्षम होंगे और आपको भी बिजली एक्सपोर्ट करेंगे ठीक है लेकिन जो बाकी नेशनस है नाइल बेसन इनिशियेटिव में ठीक है तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएगा कि नाइल बेसन में कौन से कौन से देश आते हैं है ना बिना कहीं देखे अगर आपको ये याद है कि नाइल बेसन में कौन से देश आते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताना चलिए तो जो बाकी नेशनस हैं नाइल बेसन इनिशियटिव में उन्होंने बोला कि नहीं हम तो ये डैम को सपोर्ट करेंगे इंक्लूडिंग सुदान सुदान है कि ये इजिप्ट ऐसे ही बोल रहा है ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कोई इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस नहीं है वी वेरी मच वॉन्ट ये डैम यहाँ पे बनाया जाए ठीक है तो ये जो ट्राइंगुलर कंफ्लिक्ट ये इथोपिया सुदान और इजिप्ट के बीच में है चलिए थर्ड क्वेश्चन तो दोस्तों थोड़ा न्यूज़ में था ये रिसेंटली अभी इसके बारे काफ़ी कवरेज भी थी न्यूज़ में कराकल पाकिस्तान की बात करें ठीक है अब चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन हमने देख लिया है चलो पहला स्टेटमेंट जो है उजबेकिस्तान चलो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे पूछा गया क्या करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है ठीक है चलो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है आस पास यहाँ जो मैंशन करिए हैं कंट्रीज़ बॉर्डर्ड बाय कजाकिस्तान किर्गिस्तान ये भी सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं सही हो सकता है ऑटोमस रिपब्लिक ऑफ कराकल पाकिस्तान इज़ लोकेट इन द ईस्टर्न एंड ऑफ द कंट्री ठीक है अब ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ईस्टर्न एंड है नदर एंड है सदर एंड है नॉर्थ वेस्टर्न एंड है वेस्टर्न एंड है कौन सा एंड है वो आपको तभी पता होगा अगर आपने पढ़ा हुआ है ये कोस्ट लाइन ऑफ अरल सी लोकेटेड इन तुर्मेनस्तान हैज रिड्यूज सिग्निफिकेंटली तो कोस्ट लाइन ऑफ अरल सी यहाँ पे दो बातें पूछी गई हैं कि पहली बात हो कि अरल सी की कोस्ट लाइन जो है क्या वो तुर्केनिस्तान में है और दूसरी बात कि क्या उसकी जो कोस्ट लाइन है हैज़ इट रिस सिग्निफिकेंटली ठीक है तो आइए यहाँ पे देखते हैं सही आंसर क्या है देखिए दोस्तों यहाँ पे सही आंसर सिर्फ स्टेटमेंट वन है दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत आ जाती हैं क्यों क्योंकि कराकल पाकिस्तान जो है ये वेस्टर्न एंड ये नॉर्थ वेस्टर्न एंड ऑफ द कंट्री पे आ जाता है ऑफ द कंट्री मीन उजबेकिस्तान और जो कोस्ट लाइन है सी की दिस हैज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली लेकिन ये ये लोकेटेड लोकेटेड तुर्कमेनिस्तान नहीं है है में ही चलिए तो दोस्तों अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए थे उस उस्बे, उजबेकिस्तान के ऑटोनोम कराकल पाकिस्तान रीजन में ठीक है जो कि बॉर्डर करता है कजाकिस्तान को इन द कंट्रीज नॉर्थ वेस्ट ठीक है तो नॉर्थ ये ईस्टर्न एंड नहीं नॉर्थ वेस्टर्न एंड है ठीक है नाउ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 18 लोग मारे गए हैं और लगभग 240 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लाशेज जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज और प्रोटेस्टर्स के बीच में हुआ था ठीक है अब ये जो अनरेस्ट है दिस इज ब्रोकन आउट इन रिस्पॉन्स टू अ प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इसके बारे में हम बात करेंगे एक ड्राफ्ट एक रिलीज करा गया है ठीक है ये जो ये जो सो कॉल्ड रिफॉर्म्स के चलते जो ड्राफ्ट रिलीज करा गया है इसके चलते जो कराकल पाकिस्तान है वो अपनी ऑटोनोमी लूज कर सकता है और साथ में जो राइट टू ससीड है राइट टू अलग होना है फ्रॉम उजबेकिस्तान वो राइट right भी लूज कर सकता है ना पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम नेबरिंग कंट्रीज ऑफ उजबेकिस्तान की बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट था देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान भी आ जाता है तजिकिस्तान भी आ जाता है किर्गिस्तान कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ठीक है तो जो कंट्रीज़ पूछी गई थी फर्स्ट स्टेट में सारी इसकी सेंट्रलेशन कंट्री है है ना लैंड लॉक्ड है तो ये भी हमको पता रहे कि लैंड लॉक्ड है चलिए उसके बाद यहाँ पर अरलसी की बात आती है दोस्तों तो अरलसी देखिए यहाँ पे उजबेकिस्तान में फ्लो कर रहा है तो कोस्ट uh, लाइन डेफिनेटली वुड वाई अलॉन्ग दी अलॉन्ग उजबेकिस्तान नॉर्थ नॉर्थ तुर्कमेनिस्तान में तुर्कमेनिस्तान पूछा गया था देखिए अब ये जो नेम है कराकल पक ये डेराइव किया गया है कराकल पक् लोगों से अब इनका जो नाम पड़ता है बिकॉज ऑफ द ब्लैक हैट जो ये पहनते हैं आपको इनकी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ तो ये एक कराकलपक व्यक्ति है ठीक है तो ये ब्लैक हैट पहनते हैं एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है लगभग बीस लाख ही इनकी आबादी है इनका एक डिस्टिंक्ट कल्चरल ग्रुप है विद इन उज्बेकिस्तान तुर्की भाषा तुर्किक लैंग्वेज है कराकलपक ठीक है ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है टू द कज़ाक एंड इज़ वन ऑफ़ द सेवन लैंग्वेजेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इन उजबेकिस्तान ठीक है इनकी अपनी खुद से कल्चरल आइडेंटिटी बन जाती है ठीक है अगर हम जीनोलॉजिकल नरेटिव की बात करें तो जो कराकल पक्ष है दे क्लेम टू शेयर अ कॉमन पॉइंट ऑफ रिजन विद द नेबरिंग कजाक्स एंड तुर्कमेन ठीक है बट ओवर टाइम दे हैव डाइवर्स फ्रॉम दी अदर्स तो इसके जो उनकी जो अगर इनके जीनोलॉजिकल नरेटिव की बात करें तो उनका ये कहना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो अपना जो कल्चर है हमारी जो एथेनसिटी है वो डिफरेंट होगी थी वो डिस्टिंक्ट है एज कंपेयर्ड टू तो द कजाक्स उजबेक्स एंड तुर्कमेन ठीक है अब ऐसा माना जाता है कि ये जो लोग थे दे सेटल्ड अराउंड द अमोदरिया अमुदरिया टू दी सी हिस्ट्री में आपने अमूदरिया के बारे में पढ़ा होगा अमूदरिया सिरदरिया है ना तो ये एटीन सेंचुरी की बात है जब इन्होंने इस एरिया के अराउंड सेटल करना शुरू करा था चलिए अब एक किसी जमाने में जो कराकल पाकिस्तान था बहुत फर्टाइल प्रोविंस माना जाता था उस बेकिस्तान का बिकॉज वाई बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन नेक्स्ट टू दर एल सी लेकिन हाव ये द दोर्थ लार्जेस्ट सलाइन लेक इन द वर्ल्ड ठीक है नाउ दिस हैज श्रिंकिंग और इसका जो आर्वल लैंड है इसकी जो फर्टिलिटी है यानी कि जो लैंड की फर्टिलिटी है सराउंडिंग द दारलसी वो भी रिड्यूस हो रही है नाइनटीन में क्योंकि ये जो एरिया है फॉर्मर यूएसएसआर का हिस्सा था तो सोवियत की सरकार ने यहां का जो पानी था आरलसी का वो डाइवर्ट करना शुरू कर दिया ठीक है फ्रॉम द अमू दरिया दरिया दैट फीड इन टू द सी और ये सरकार ने पानी कहां डाइवर्ट किया ताकि जो नियर बाई डेजर्ट रीजन है वहां पर इरीगेशन हो सके फॉर एग्रीकल्चर और ज्यादा वाटर इंटेंसिव कॉटन कल्टिवेशन भी वहां पर प्रमोट करनी शुरू कर दी थी नाउ अब प्रोटेस्ट को ट्रिगर किसने किया देखिए वायलेंट प्रोटेस्ट है एमपावरिस्ट कराकल पाकिस्तान आफ्टर जो प्रेजिडेंट है शवकत मिजरी उन्होंने पब्लिश करा एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन जून सत्ताईस दो हज़ार बाईस को अब ये जो ड्राफ्ट रे, रेफरेंडम था इसने रिमूव कर दिया कराकल पक्स्तान का राइट कि भाई वो अपने आप को अलग कर सकता है उज्बेकिस्तान से बाय अ रेफरेंडम तो वो अब नहीं कर सकता अब ये पॉसिबल नहीं है अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सबसे बड़ा मुद्दा कराकल पक्ष लोगों के लिए ये है कि जो अरल सी है उसका जो उसका उसका जो साइज़ है वो वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है ठीक है बिकॉज जो सॉल्ट और मिनरल कंटेंट है दैट बिगैन टू ड्रास्टिकली राइज और मेकिंग द वॉटर वेरी अनफिट टू ड्रिंक एंड ईवन यहाँ की अगर हम मरीन एकोलॉजी की बात करें फिशर्स की बात करें वो भी यहाँ पे काफी मर रही हैं ठीक है थीके? तो ये वहां पे अगर हम बात करें कराकल पर अगर कराकल पर लोगों की बात करें तो वो सफर कर रहे हैं उनको हेल्थ इशूज हैं उनके एन्वायरमेंटल इशूज हैं बिकॉज ऑफ द रिसीडिंग कोस्ट लाइन ऑफ आर एल सी तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों जो श्रिंकिंग आरएलसी की अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो कोस्ट लाइन नाइनटीन में देखिए है ना और अब देखिए ये 2014 का यहाँ पे दिखाया गया है तो कितना ज़्यादा इसकी देखिए कोस्ट लाइन कम रह चुकी है कितना रिसीड कर चुका है है ना तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द कराकल्पक पीपल एंड देयर बाय दीज पीपल आर प्रोटेस्टिंग दे वांट अटोनॉमी दे वांट टू से सीट फ्रॉम उजबेकिस्तान दे वॉन्ट टू फॉर्म देर ओन इंडिपेंडेंट नेशन बट अब कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी अमेंडमेंट करी गई जिसके चलते ये काम थोड़ा मुश्किल होगा और यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे चलिए चौदह क्वेश्चन पैरसल आइल्स की यहाँ पे बात करेगी ये फ्रीक्वेंटली सी इन न्यूज रिलेटेड टू तो यहाँ पे आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है ठीक है देखिए पैरसल आइलैंड ऑल्सो नो ना जीशा आइलैंड आर डिस्प्यूटेडेड आर के फिले गु इन द साउथ चाइना सी देखिए ये स्टेटमेंट सही है तो ये डिस्प्यूटेड टेरेटरी है बिटवीन चाइना जपान वियतनाम एंड फिलिपींस तो यहाँ पर चलो अब ये चाइना पीड़ित समाज ही है साउथ चाइना सी है ना बार बार हम पढ़ते रहते हैं इंडो पैसिफिक के बारे में चाइना की मस्कुलर पॉलिसीज के बारे चाइना का नेवल एग्रेशन के बारे में साउथ चाइना सी में ठीक है लेकिन क्या ये जो डिस्प्यूट है इन सभी देशों के बीच में है और तीसरा स्टेटमेंट कि क्या ये आर्टिफिशियल आइलैंड है है ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर बनता है यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट्स ही इनकरेक्ट है ठीक है तो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ पहली स्टेटमेंट है जी हाँ इसको जीशा आइलैंड भी कहा जाता है ठीक है तो ये आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं है ठीक है आइए बाकी इसके डिस्प्यूट के बारे में भी समझ लेते हैं देखिए ये रहा आपका पार्सल आइलैंड यहाँ पे साउथ चाइना सी ये आपकी नाइन डैश लाइन आ गई है ठीक है अब ये जैसे हम कहते हैं चाइना पीड़ित समाज ठीक है यहां पे सारे देशों का ही पंगा है चाइना के साथ कुछ ना कुछ चाइना के जो नेवल अग्रेशन की हम बात करें साउथ चाइना सी में तो ये ट्रॉपिकल आर्किपलेगो है ठीक है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम वियतनाम टू तो नॉर्दर्न फिलिपींस ये कम दिस इज दिस अगर हम पैरसल आइलैंड्स की बात करें दिस इज कंपोज ऑफ वन थर्टी कोरल आयलेंस बहुत छोटे छोटे कोरल कोरल आयलेंस और रीव्स हैं विच आर डिवाइडेड इंटू नॉर्थ ईस्टर्न एम्फिट्राइट ग्रुप एंड द वेस्टर्न क्रेसेंट ग्रुप अब ये इसके आसपास काफ़ी फ़र्टाइल फिशिंग ग्राउंड्स हैं ठीक है यहाँ पे काफ़ी रिच ऑयल और मिनरल वेल्थ भी पाई जाती है काफ़ी रिच ऑयल और गैस रिजर्व भी यहाँ पे पाए जाते हैं तो फ्रेंच इंडो चाइना की, 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 की बात करें यानी कि अगर हम वियतनाम के ब्रिटिशेसर की बात करें ठीक है बिकॉज वियतनाम वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी वंस अपन अ टाइम तो नाइनटीन थर्टी टू में फ्रेंच इंडो चाइना जो है उसने इस आइलैंड्स को अनेक्स किया था लेकिन बाद में इसकी मेंटेनेंस कंटिन्यू करी वियतनाम ने यानी कि जो सक्सेस यानी कि जब जब वियतनाम इंडिपेंडेंट हुआ फ्रॉम द फ्रेंच रूल ना चाइना ने ऑक्यूपाई करे हैं पैरिसल आइलैंड सिंस नाइनटीन सेवेंटी फोर और ये आइलैंड्स का क्लेम वियतनाम और ताइवान भी करते हैं तो यानी कि ये आइलैंड्स का जो झगड़ा है वो तीन देशों के बीच में है चाइना वियतनाम और ताइवान तो फिलीपींस का यहाँ पे नहीं आता कुछ जिक्र ठीक है अब इसके बैकग्राउंड की बात करें देखिए चाइना जैसे अखंड चाइना की बात करता है कि भाई चाइना का जो सपना है कि भी एक्साइचन भी मेरा है है ना पैरासल आइलैंड भी मेरा है सेंकैको आइलैंड भी मेरा है है ना तो चाइना कहता है कि जी हमारे इतिहास में हमारे इतिहास की ये यहाँ पे बात स्थापित थी फोटीन सेंचुरी राइटिंग्स में ऑफ द सॉन्ग डायनेस्टी में ये बात स्थापित थी कि जो पैरासल आइलैंड है ये चाइनीज टेरिटरी का पार्ट है वियतनाम का कहना है कि भाई अगर आपके इतिहास में ये बात स्थापित है तो हमारे इतिहास में भी ये बात स्थापित है हमारे पास भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं जो कि ये बताते हैं कि पंद्रहवीं सदी में कि ये जो आइलैंड थे ये वियतनाम की टेरिटरी का पार्ट था ठीक है अब अगर इन आइलैंड्स की बात करें पैरसल आइलैंड की बात करें तो इनका जिक्र तो जो एक्सप्लोरस थे है ना जो अगर हम बात करें पोचुगेज एक्सप्लोर ब्रिटिश हो गए डच हो गए फ्रेंच हो गए तो इनका वेंशन इन सी एक्सप्लोरर्स ने भी करा था ठीक है तो अब

तो अब 1999 में ताइवान भी बीच में आ गया कि भाई यहाँ पे हमारा भी क्लेम बनता है पूरे के पूरे आर के में अब अगर हम प्रेजेंट इंडेक्स की बात करें तो पिछले दस साल से चाइना ताइवान और वियतनाम इन तीनों देशों के बीच में झगड़ा है एज़ फार एज द क्लेम ऑन द पारसल आइलैंड टेरिटरीज कंसर्न और तीनों देश कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की टूरिज्म इनिशिएटिव्स क्रिएट कर रहे हैं लैंड 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 रिक्लमिनेशन एक्टिविटीज़ बना कर रहे हैं इस्टैब्लिश कर रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को ऑन दिस ट्रॉपिकल आर को ताकि अपना क्लेम को वो लेजिटमाइज़ कर सकें अपने क्लेम ऑन द पारसल आइलैंड को वो लेजिटमाइज कर सकें चलिए तो लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है सुंदा स्ट्रेट ज्वाइन सु दोस्तों इसका सही आंसर है जावा सी एंड ओशन देखिए दोस्तों सुंडा स्ट्रेट जो है आपको पहले मैं मैप दिखा देता हूँ ये रहा आपका सुंडा स्ट्रेट ठीक है जी ये ज्वाइन करता है इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा आप फिर से मैप देख सकते हैं ठीक है जी ये जावा आ गया आपका ये सुमात्रा आ गया नाउ ये कनेक्ट करता है जावा सी को विद द ओशन तो ये आपका जावा सी है ये आपका ओशन आ गया ठीक है जी और ये सुंडा स्टेट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं विच आर रिपोर्टेडली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दी एक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्केिक डेब्रिस ठीक है तो सम ऑफ़ दीज़ आइलैंड्स जैसे कि हम यहाँ पे माप में भी देख सकते हैं सांगियांग ठीक है सेबेसी सेबुकु तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैप में भी सांगियांग सेबूकू सेबेसी यहाँ पे आइलैंड्स आपको दिख जाएंगे चलिए सो दोस्तों ये हमारे पांच क्वेश्चन थे बाकी दोस्तों जाने से पहले जैसे क्विक आपके साथ थर्टी सेकेंड्स जो हम हमारी एडवर्टाइजमेंट्स रहती है एट दी एंड द वीडियो दोस्तों हमारे ऑफलाइन कोर्सेज शुरू हो रहे हैं यदि आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज में डोल होना चाहते हैं सो फ्रॉम मंडे हम अपनी ऑरिएटेशन क्लासेज शुरू कर रहे हैं सो uh, so, दोस्तों अगर अभी भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हम ये हमारा टोल फ्री नंबर है वन एट डबल ज़ीरो एट नाइन जीरो थ्री जीरो फोर थ्री तो आप यहाँ पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सीट बुक कर सकते हैं बाकी दोस्तों अगर हम बात करें हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ की तो वो चलते रहेंगे चाहे वो जी की बात करें चाहे वो ऑप्शनल की बात करें तो यदि आप हमारे जो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं ना यहाँ पर अगर देखिए हमारे पास ऑप्शन है ऑफलाइन क्लासेज़ की भी लाइव ऑनलाइन क्लासेज़ की भी और प्री रिकॉर्डेड क्लासेस की भी तो यदि आप हमारे ये वाले कोर्सेज़ भी लेना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप हमारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं यदि आप चाहें तो अपना इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई मेरी साइंस एंड टेक बहुत वीक है एनवायरमेंट वीक है है ना इकोनॉमी वीक है हिस्ट्री वीक है आईआर वीक है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कंटेंट मैं कहाँ से पढ़ूँ तो अगर आप चाहें तो आप अपना कोई एक या दो सब्जेक्ट का कोर्स भी आप अपना बंडल क्रिएट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो बाकी दोस्तों ये हमारे करंट अफेयर्स का कोर्स है फॉर यूपीएससी 2023 यहाँ पे आपको मंडे टू सैटरडे कॉम्प्रिहेंसिवली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वैसे तो देखिए हम इंकरेज करते हैं कि आप अपना न्यूज़पेपर खुद पढ़ा करिए लेकिन कई बार हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स कई बार मिस हो जाते हैं चाहे वो इकोनॉमी रिलेटेड हो चाहे वो साइंस एंड टेक रिलेटेड हो चाहे वो पॉलिटी रिलेटेड हो हिस्ट्री हो जोग्रफी हो आई आर सोशल साइंस वो सो अगर इंटरनल uh, सिक्योरिटी की बात करें वो टाइप द टॉपिक्स माइट भी तो यदि आपने उस टॉपिक्स की भी अपने कॉम्प्रेंसिव कवरेज करनी है तो आप हमारे इस का हिस्सा बन सकते हैं हमारे नंबर पर कॉल करके इसके बारे में इंफॉमेशन ले सकते हैं सबसे अच्छी बात हमारे करंट अफेयर्स कोर्स की ये दोस्तों कि यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एनालिसिस बहुत ही इन डेप्थ करा जाता है ठीक है दोस्तों तो हमारे आज के आयर के प्रीमिक्स में इतना ही काफी कॉम्प्रिहेंसिवली पांचों के पांचों क्वेश्चन डिस्कस करे गए हैं बाकी दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द हम अपने अगले वीडियोज़ में तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए थैंक यू सो मच जय हिंद